यार बारिश तेज हो रही थी तो हमारा काला कागला इधर ही खड़ा है। अब हमारे काले कागले को लेकर हम एयरपोर्ट्स को सही करवाने के लिए जाएंगे। काले कागले को थोड़ी देर इधर खड़ा करके रख रखा है हमने, बारिश जैसे रुकेगी हम वैसे निकलेंगे। और निखिल सुन, निखिल ये बता, रूसा हुआ है मेरे से क्योंकि भाई इसको मैंने ऐसे बोल दिया कि मेरी वीडियोज में आने के 1,000 रुपये लेता है। इस बात से नाराज है ये, लड़कियों के जैसे शर्मा रहा है ये, शर्मीला है हमारा, बहुत शर्मीला आदमी है, बेशरम है पर शर्मीला आदमी है। इसको शक्ल देखो इसके आप, अरे रे टेंशन हो गई इसको, इसको सच बोलते ही टेंशन हो जाती है। इसकी कुछ और प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैं आपको लास्ट में रिवील करूँगा। ये हमारा काला कागला खड़ा है, देख लो। वैसे बाइक बहुत प्यारी चलती है, इसका माइलेज भी बहुत बढ़िया है, मतलब अभी इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने रख रखा है। तो निकल, हेलमेट पहना दे यार। अरे पहना देना है, क्या गाली बकरा है, बिना मतलब पहना देना है। लो गाई शर्माता रहता थे कैसे हंस रहा है। ले चला चले फटाफट चलो, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट्स को सही करवाने और फिर मैं मिलता हूँ वहाँ पर, आपको रिव्यू देता हूँ। सर बात क्या हो रही है इसमें, अपना क्या दिक्कत आ रही है इस एयरपोर्ट्स की? ना तो लाइट ब्लिंक हो रही है और ना ही ये चार्ज हो पा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन निकालो अंकल जी। वैसे अंकल जी हमारे जानकार है, टाटे अंकल जी बोलते हैं इनको, क्योंकि गंजे हैं इसलिए हम इनको टाटे अंकल जी बोलते हैं। अगर किसी के एयरपोर्ट्स के अंदर लाइट ना चले, किसी का एयरपोर्ट काम ना करे, ब्लिंक नहीं हो रही लाइट, तो ऐसी सिचुएशन में आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि मेरे एयरपोर्ट्स के लाइटें नहीं जल रही थी, तो उसको मैं सर्विस सेंटर लेके आया। ये मेरे एयरपोर्ट से, ये मेरा एयरपोर्ट और ये 12,000 के हैं और इनको मैं लेके आया सर्विस सेंटर। तो सर्विस सेंटर वाले ने क्या किया, इसको चार्ज किया, ठीक है। इसको चार्ज करने के बाद थोड़ी देर चार्ज किया और ऑटोमेटिक चार्ज होने लग गए और फिर लाइट इसमें ब्लिंक भी होने लग गई। तो मेरी गलती ये थी कि मैं जब इसको चार्ज किया था तो मैंने इसको चार्ज करने के बाद क्या किया, उसका प्लग ऑन नहीं किया था। जैसे मैंने प्लग ऑन किया, टेन प्लग ऑन करने के बाद मेरा चार्ज हो गया था। ये बोल रहा है इसको इस दीवार के पीछे खड़ा होना है और कैसा लगता है ये हमारा दोस्त है, बिहार का है वैसे, बेसिकली इसने एलिवेटर नहीं देखा तो इसको एलिवेटर का मतलब कैसा एक्सपीरियंस हो, एलिवेटर का एक्सपीरियंस मैं इसको करवा रहा हूँ। कैसा लग रहा है एलिवेटर पे चल के आपको? इसने कभी मतलब एलिवेटर वगैरह मॉल वगैरह देखा नहीं था, तो ये बिहार से सिर्फ ये देखने आया है जयपुर, इसको मैं विजिट करवा रहा हूँ और भी इसके साथ में बहुत कुछ इसको दिखाने वाला हूँ। तो बहुत खुश है ये, बहुत हैप्पी है या मतलब घूम के। हम आए सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर आने के बाद कोई फायदा हुआ नहीं इसको आने के बाद यहाँ पे, मतलब मेरा तो सही था यार एयरपोर्ट बिना बात ही। मैं देखना मेरा कैमरे में मेरी आ रही है कि नहीं, ये देख कैमरे में आ रही है, सही आ रहा है क्या भाई? सही आ रहा है भाई। तो हम कवर देख के आते हैं और कवर महंगे कवर है, 12,500 अपन 12,000 का एयरपोर्ट लेके घूम रहे भाई, महंगे कैसे हो सकता है अपने लिए? नीचे जाने का काम है, हमें नीचे जाने का नहीं मिल रहा गाइस। हम लिफ्ट में जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले मेरे को पता है क्या कह रहा, बोले अपने पास तो हेलमेट ही नहीं है, अपन कैसे लिफ्ट में घुस सकते हैं? गाइस मैंने इसको पूरे बटन समझा दिए कि कौन सा बटन कहाँ पे पहुँचेगा, अब ये चेक कर रहा है बटन को और अभी बटन दबाना चाहता है क्योंकि लिफ्ट में पहली बार बैठा है। तो इसको मैंने बटन दबाना सिखा दिया कि कैसे बटन कौन सी जगह पे जाएगा। अब निकल ग्राउंड फ्लोर पे कौन सा बटन जाएगा तेरे को दबाना है ना, ये तेरा टास्क है। बहुत खुश है मतलब ये बिहार से, इसने मतलब बिहार में लिफ्ट भी नहीं है, ये लिफ्ट देख के इतना खुश है, इतना हैप्पी है, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है इसको। इसको मैं बहुत कुछ घुमाने वाला हूँ, बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, खुश है ना? खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और अभी इसको मैं लिफ्ट के बटन दबाने के लिए बोलूँगा, देखो कैसे खुशी खुशी दबा रहा है। मतलब यार छोटी छोटी खुशियों में लोग खुशियाँ ढूंढते हैं, इनको ये तक नहीं पता था कि बटन भी ये होता है लिफ्ट के अंदर और ये दबता भी है, लिफ्ट कैसे ऊपर नीचे होती है, ये सारा मतलब देख के खुश है। क्यूट सी बच्ची भी हमारी मतलब लिफ्ट के अंदर है, बहुत प्यारी बच्ची है। ओए स्टार्ट कर डाल इसमें, ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हैं मैं और निखिल भाई। ठीक है, मैं तुम्हें एक सीधी सी बात बताता हूँ, ये देखो ये मेरे एयरपोर्ट्स और इसका बिल, ठीक है। और तुम्हें लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठ तो मैं क्यों ही बोलूँगा भाई, मतलब मेरी खुद की गलती थी। और कभी कभी खुद भी चेक कर लिया करो तुम लोग कि तुमने प्लग चालू किया या नहीं किया, सबसे बड़ी बात है जो कि मैंने नहीं किया था, ठीक है ना। हम आ चुके हैं यहाँ के सबसे लग्जीरियस पार्किंग, जिसका नाम है, क्या नाम है मॉल का,
सिटी प्लस, सिटी प्लस ये मॉल है और सिटी प्लस मॉल के अंदर बहुत लग्जरियस मॉल है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से पार्किंग को किया गया है। ऐसे मत करें यार। लेंगे हम गाइज हमारे एयरपोर्ट्स के लिए कपड़े, ये देखो ये हमारा एयरपोर्ट्स है और इसके लिए हम ड्रेस हमने चूज कर ली है, मुझे ये ड्रेस पसंद आ रही है इसकी, तो हमारे एयरपोर्ट्स को। एयरपोर्ट के बाद आईफोन के लिए भी मैं कपड़े ले रहा हूँ, ये वाला है और एक और इसके अंदर है ये वाला, तो दोनों में से एक मैं चूज करके लेके जाऊंगा। अब हम निखिल को ला चुके हैं इंडिया के सबसे फेमस दही पताशे वाले के पास, लेकिन इसको सिंपल पताशे खिलाएंगे, इसको दही वाली नहीं खानी, इसको सिंपल पताशे खानी है इनके हाथों की, तो इसको पताशे खिलाने के लिए लेके आ चुका हूँ मैं। और पपड़ी खाना मत भूलना भाई, ये पपड़ी का बड़ा शौकीन है, पताशे खाया ना खाए पपड़ी जरूर खाए। पपड़ी भी खाना निखिल, पपड़ी भी, पपड़ी भी। डेमो